हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? भाई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई बजाज ने कमाल कर दिया, क्योंकि बजाज ने पल्सर NS200 के 2024 के जो मॉडल है उसको जो है शोकेस कर दिया है भाई। और भाई आप देख ही सकते हो कि इसके साथ आपको बहुत सारे अपडेट मिलते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपको क्या क्या अपडेट इसके साथ देखने के लिए मिलते हैं, और भाई जो फीचर्स वगैरह जो ऑफर कर रही है बाइक बहुत ही कमाल के हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है LED हेडलाइट का। तो आप देख ही सकते हो पूरी LED आपको हेडलाइट देखने के लिए मिल जाती है। इसके साथ आपको DRL मिल जाता है, और आपको देखने के लिए मिल जाता है प्रोजेक्टर लैंप। दूसरा जो भी अपडेट है दोस्तों, इसके साथ आपको मिलता है फुल्ली डिजिटल मीटर, जो कि दोस्तों मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ में आता है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने के लिए मिलता है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज है। मतलब इस बाइक में और इस सेगमेंट की बाइक में अभी ये फिलहाल फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं टर्न बाय टर्न नेविगेशन के, जैसे बजाज ने 2024 में NS में अपने इस फीचर को एड ऑन करा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों ये दो बड़े बड़े हाईलाइट है जो कि 2024 एडिशन में आपको देखने के लिए मिलता है। पहला है कि आपको पूरा LED सेटअप देखने के लिए मिलता है, और उसी के साथ साथ पूरा डिजिटल मीटर मिल जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि आपको USB चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है इस बाइक में, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हो तो आप आराम से अपना फोन ऑन द गो चार्ज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी है। बाकी अगर हम इंजन वगैरह की बात करें दोस्तों, तो इंजन वगैरह में कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं करा गया है, बट यस लुक देखोगे तो लुक बहुत ही बढ़िया लग रही है। एंड दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई NS जब इंडियन मार्केट में लॉन्च करी थी तो भाई क्या हाइप थी, क्योंकि इतना वाइड टायर आपको देखने के लिए मिलता था, उसके साथ ऊपर से स्पीड बहुत बढ़िया मिल जाती थी। तो अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन में ऐसा कोई बड़ा अपडेट नहीं है। 199.5 cc का लिक्विड कूल आपको इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 24.5 PS की पावर और 18.7 Nm का टॉर्क। 6 स्पीड का आपको गेयरबॉक्स देखने के मिल जाता है, और USD सस्पेंशन मिल जाता है आपको फ्रंट में, और रियर में आपको मिलते हैं मोनोशॉक सस्पेंशन। बाकी दोस्तों जो लुक है वो भी एज इट इज ही है, मतलब काफी हद तक बदला नहीं गया है। पीछे अगर आप देखोगे तो आपको व्हाइट टायर देखने के मिल जाता है एज यूजुअल, और उसी के साथ साथ टायर हगर, जो कि इसका सिग्नेचर है आप कह सकते हो, जिससे बाइक की लुक जो है बहुत बढ़िया बनती है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। एंड दोस्तों कुछ ही दिनों में आपको ये मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगी। वेल आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये बाइक कैसी लगी, एंड आप इस अपडेट से खुश हो या नहीं हो। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।